हमीरपुर शहर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला मार्ग पर सड़क मरम्मत कार्य होने से आवाजाही बाधित है। इसी के चलते अब वाहनों को बाईपास होकर शहर में आना पड़ रहा है। अभी मंगलवार तक शहर के बीचों बीच जाने वाली सड़क को बंद रखा गया है, जिस कारण लोगों को भारी दिक्कतें आ रही हैं। अब बस अड्डे से बोटा चौक तक हो रहे मरम्मत कार्य के चलते पूर्णतः वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई है। हमीरपुर शहर के बीचों बीच गुजरने वाले शिमला धर्मशाला मार्ग पर सड़क मरम्मत कार्य होने से आवाजाही बाधित है। इसके चलते अब वाहनों को बाईपास होकर शहर में आना पड़ रहा है। अभी मंगलवार तक शहर के बीचों बीच जाने वाली सड़क को बंद रखा गया है, जिसके कारण लोगों को भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। बस अड्डे से बोटा चौक तक हो रहे मरम्मत कार्य के चलते पूर्णतः वाहनों की आवाजाही बंद रखी गई है। आपको बता दें कि सड़क काफी दिनों से खस्ता हो चुकी थी और जगह जगह गड्ढे पड़ने से दिक्कतें पेश आ रही थी, जिसके कारण अब सड़क का मरम्मत कार्य शुरू किया गया है। हालांकि सड़क के मरम्मत के लिए 5 दिन का समय पीडब्ल्यूडी विभाग ने मांगा है, लेकिन जिस तरह से मरम्मत कार्य चला हुआ है उससे लगता है कि अभी कुछ और दिन भी मरम्मत कार्य के लिए लग सकते हैं, क्योंकि मरम्मत कार्य के साथ आईपीएच विभाग भी पानी की नई पाइपें बिछाने में लगा है, जिसके कारण काम में देरी होने का अंदेशा लग रहा है। कार्यक्रम में वक्त तो चला है, छोटे से ब्रेक आए, मिलते हैं ब्रेक के बाद।